गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके डेली रूटीन से ही रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत डिफरेंट है। तो देखिए, हम जनरली बोलते हैं 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, है ना। तो हम ओ क्लॉक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ओ क्लॉक तो बोलते हैं कि जैसे आई अवेक इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, लेकिन कभी ये ध्यान दिया कि ये ओ क्लॉक होता क्यों है? क्या घड़ी गोल होती है इसलिए हमने ओ गोल ओ क्लॉक बोल दिया, या फिर इसका कुछ और मतलब है? तो ओ क्लॉक बचपन से हम सुनते आते हैं, ओ क्लॉक ओ क्लॉक, बट व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड ओ क्लॉक, एंड इज इट एक्चुअली ओ क्लॉक, या इसकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो ओ के ऊपर एक एपोस्ट्रॉफी होता है। तो जब भी एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है, इसके दो केसेस होते हैं। पहला केस एपोस्ट्रॉफी एस के साथ आता है, एपोस्ट्रॉफी और फिर एस, तो इसका मतलब होता है का के की। जैसे दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, तो फ्रेंड लिख के एपोस्ट्रोफिक और एस, यानी दोस्त का घर, तो फ्रेंड्स हाउस। अगर एक दोस्त का घर है तो फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड एपोस्ट्रोफा एस। लेकिन अगर दो तीन दोस्तों का घर है वो, तो मैं बोलूंगा ये मेरे दोस्तों का घर है, यह है मेरे दोस्त, एक दोस्त दोस्त का घर है, दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड फिर एपोस्ट्रोफी एस। और अगर ये बोल रहा हूं ये मेरे दोस्तों का घर है, तो दिस इज माई फ्रेंड्स, प्लूरल फ्रेंड्स, और फिर बाहर एपोस्ट्रोफी को, फ्रेंड्स हाउस, उसके बाद एस नहीं आएगा। एस के साथ जब आता है तो ये मीनिंग होता है काके की। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? इसका दूसरा मीनिंग होता है जब हम चीजों को शॉर्ट करते हैं, जब हम चीजों को शॉर्ट करने हम चाहते हैं, उस केस के अंदर हम एपोस्ट्रोफी लगा के कुछ अक्षरों को हटा देते हैं। जैसे डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, तो एन के बाद एपोस्ट्रोफी आया और टी लिख दिया, यानी कि उसको शॉर्ट कर दिया, तो एपोस्ट्रोफी। अगर एस वाला है, एस के साथ आ रहा है, तो फिर उसका मतलब काके की, और अगर एस के साथ नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है कि उसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे वी विल की शॉर्ट फॉर्म होती है विल, तो वो शॉर्ट करने के लिए अपोस्ट्रोफी लगाया, ठीक है। आई एम की शॉर्ट फॉर्म होती है आई एम, तो वो आई लिख के अपोस्ट्रोफी और एम लगाया। अब ये जो पॉइंट है, अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, ओ क्लॉक जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें ओ लिख के अपोस्ट्रोफी है, आगे एस तो है नहीं, तो अगर एस होता तो फिर इसका मतलब काके की होता है, लेकिन यहां पे एस तो है नहीं, यहां पे इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्ट फॉर्म है। अब अगर ये शॉर्ट फॉर्म है तो फिर इसकी कोई फुल फॉर्म भी होनी चाहिए, है ना। अगर ये शॉर्ट फॉर्म हुई तो फिर इसकी फुल फॉर्म भी होनी चाहिए, क्योंकि अपोस्ट्रोफी को आगे हमने दो केस पढ़े, उसमें से पहले वाला तो ये नहीं है क्योंकि एस आता है उसके साथ, दूसरे वाला शॉर्ट फॉर्म वाला वो ये हो सकता है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म वाला है तो फिर उसका कोई ना कोई फुल फॉर्म भी पता लगनी चाहिए हमें। तो ये जो ओ क्लॉक हम बोलते हैं ये हम गलत बोलते हैं, पहली बात तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा कि क्या होती है। तो ये जो ओ है, अभी मैं जस्ट ओ उस लेटर की बात कर रहा हूं इसलिए मैं ओ बोल रहा हूं। तो जब हम ओ और फिर एपोस्ट्रोफी, तो ये एपोस्ट्रोफी लगाने से हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑफ, ओ एफ ऑफ क्लॉक। अब किसी ने पूछा कि भाई साहब क्या टाइम हो रहा है, मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा भी 9 बज रहे हैं, तो 9 बज रहे हैं यानी घड़ी के 9 बज रहे हैं, तो घड़ी के 9 o'clock, ऑफ क्लॉक मतलब घड़ी के 9 बज रहे हैं, ये लॉजिक होता है पूरा। तो 9 o'clock, ऐसा नहीं मेरा मन में आया तो मैं जी कह रहा हूं 9 बज गए, जाओ 9 बजा दिए, चलो हम अभी 7 बजा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से नहीं, वो घड़ी के, तो घड़ी के ऑफ, तो 9 ऑफ क्लॉक। अब इसको शॉर्ट में बोल देते हैं 9 o'clock। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, अगर आप शॉर्ट यूज कर रहे हो, ओ क्लॉक नहीं बोलना, आपने बोलना है अ क्लॉक, अ से अनार, अ से अजीब, ठीक है।
तो अ से अ क्लॉक ओ क्लॉक नहीं, इसमें कोई ओ ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई अवेक एट 5 o'clock, अ, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गई अ क्लॉक, और ये भी क्लियर हो गया कि ये शॉर्ट फॉर्म है, और ये भी क्लियर हो गया कि इसकी फुल फॉर्म ऑफ क्लॉक होती है। अब क्वेश्चन आता है कि कहां पर हमने फुल फॉर्म का प्रयोग करना है और कहां पर हमने शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये भी जगह है अपने मन की नहीं है भाई, मैं ना यहां पे ना फुल फॉर्म लगाऊंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, बड़ी सिंपल सिचुएशन है। दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश। अब जहां पर फॉर्मल आपने यूज करना हो वहां पे फुल फॉर्म्स लगाइए। अभी जो मेरी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वाली वीडियो आपने देखी होगी उसमें मैंने बताया कि शॉर्ट फॉर्म्स सारी इनफॉर्मल होती हैं, सारी अनऑफिशियल होती हैं। आप शॉर्ट में कहीं पर भी लिखोगे वो अनऑफिशियल कहलाएगा। तो कभी आपने अगर ईमेल्स लिखने हो, ऑफिशियल राइटिंग करनी हो, एप्लीकेशन लिखनी हो, उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग नहीं करना। इतना लंबा इंसान ईमेल लिख लेता है, लास्ट में लिख देता है ASAP। अरे जहां पे इतनी उंगलियां चलाई वहां पे एज सुन एज पॉसिबल की उंगलियां थोड़ी सी और चला दो, उसको ASAP कर देंगे। कितना टाइम लगेगा एज सुन एज पॉसिबल लिखने में? तो फुल फॉर्म्स में लिखना चाहिए, फॉर्मल राइटिंग में फुल फॉर्म्स होती हैं। तो अगर आप इसको फॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑफ का प्रयोग कीजिए, ठीक है। आपकी क्लास कब होती है? 9:30 ऑफ क्लॉक। और दोस्त पूछेगा क्लास कब होती है? 9:30 अ क्लॉक। ओ क्लॉक नहीं बोलना, अ क्लॉक। तो जहां पे फॉर्मल इंग्लिश है, फॉर्मल इंग्लिश का मतलब है जहां पे हम औपचारिक ढंग से बात करते हैं, जिन लोगों के साथ हम बात करते हैं उनसे हमारा एक गैप होता है, इतने फ्रैंक नहीं होते, तो वहां पे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी फॉर्मल लैंग्वेज दैट इज ऑफ क्लॉक, एंड कैजुअल लैंग्वेज दैट इज इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट इज अ क्लॉक। और इसकी हिंदी क्या होती है? बजे। ऑफ क्लॉक मतलब बजे। अब आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूंगा, अभी हमने फॉर्मल इनफॉर्मल भी सीख लिया कहां पर यूज करना है, लेकिन अब मैं एज ए टीचर ये एडवाइस करूंगा कि अब आप लोग अपनी जिंदगी से अ क्लॉक हटा ही दो, हमेशा ऑफ क्लॉक बोलो। इतना बोलो, इतना बोलो कि वो आपके जहन में तैयार हो जाए, आपके मुंह से हमेशा ऑफ क्लॉक निकलना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट इस क्लास में तो करना है। अब आपने सबने डेली रूटीन सुनाना है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? ऑफ क्लॉक, ऑफ क्लॉक, ऑफ क्लॉक करके बोलेंगे। जहां पे भी आपको टाइम बताना होगा ऑफ क्लॉक बोलेंगे। क्लियर? सो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अ क्लॉक और ऑफ क्लॉक में क्या फर्क है। तो ऑफ फुल फॉर्म हुई, अ क्लॉक शॉर्ट फॉर्म हुई, इसका मतलब होता है घड़ी के, ऑफ क्लॉक, ठीक है। सो इट इज 6 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज 8 o'clock, मेरी 9 o'clock मीटिंग है, कल मैं आपका सेशन जो है वो 10 o'clock लूंगा। सो ऑफ क्लॉक, ठीक है। किसी को कुछ डाउट्स हैं तो हाथ खड़ा कर लो। कोई डाउट्स नहीं है, बहुत बढ़िया। देखा, हम तो पहले कहते थे हम ऐसा पढ़ाते हैं किसी को शक नहीं रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू।